देख रहे हैं हिमाचल एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ बैजनाथ नाम की जगह पर भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिसका नाम है महाकाल। आज मैं आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ कालों के काल महाकाल के। पहुंच चुके हैं महाकाल में। माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ है। और यहाँ के बारे में एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ने वाला दूध या पानी कहीं भी बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आता है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हित लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आपको दर्शन करवा रही हूँ प्राचीन मंदिर महाकाल के। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, वैसे ही इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि ये मंदिर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान बनवाया था और माता कुंती के साथ यहां पर महाकाल की आराधना की थी। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हित लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ है। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ने वाला पानी और दूध कहीं भी बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया है। कई वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की है, परंतु आज तक ये रहस्य बरकरार है। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता
महानता। सीपियों के ओट में भोलेनाथ शंकर मोतियाँ हो जिस तरह। के उज्जैन के बाद महाकाल में शनि का दूसरा मंदिर स्थापित है। जयति जयति शनि देव निराले, सकल अमंगल हरने वाले, सकल अमंगल हरने वाले। जो मानिज पुत्रों को पाले, त्यो ही प्रभु सबके दुख टाले, त्यो ही प्रभु सबके दुख टाले। मंगल भवन अमंगल हारी, शनि देव सब कृपा तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, शनि देव सब कृपा भादो माह के हर शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। श्रद्धालु मंदिर में बने सरोवर में स्नान कर शनिदेव और महादेव के दर्शन करते हैं और इन दिनों महाकाल में मेलों का भी आयोजन किया जाता है। मंगल हारी, शनि देव सब कृपा तुम्हारी। छुड़वा कर सब पाप अधर्म, करवा कर सदैव सत्कर्मा, करवा कर सदैव सत्कर्मा। धर्म अधर्म में भेद बतावे, उचित मार्ग पर लेकर जावे, उचित मार्ग पर लेकर जावे। इस मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि जब सप्त ऋषि इस क्षेत्र के प्रवास पर थे तो 7 कुंडों की स्थापना यहाँ पर करी थी, जो कि 4 कुंड मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं और 3 कुंड मंदिर परिसर से बाहर हैं। इसमें से 4 कुंड ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और शिव कुंड और सती कुंड आज भी मंदिर में मौजूद हैं। जय महेश जटाजूट कंठ सोहे तालकूट, तीन नेत्र चंद्रभाल, गले में मुंडल की माल, गौरी अर्धांग संग, भस्म रसद अंग अंग, जाकी महिमा अपार, वेद रट तथे तारे, धरन ताड़ धरन ताड़, देते ता देते ता कतगे। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये भी है कि ये जो मंदिर है अघोरी साधकों की तंत्र विद्या का केंद्र भी माना गया है। यहाँ पर महाशिव के साथ महाकाली अप्रोक्ष रूप से विद्यमान है और माना जाता है कि यहाँ पर रोज कोई सब जलने ना आए तो घास के पुतले को यहाँ पर जलाया जाता है। जय महेश जटाजूट कंठ सोहे तालकूट, तीन नेत्र चंद्रभाल, गले में मुंडल की माल, गौरी अर्धांग संग, भस्म रसद अंग अंग, जाकी महिमा अपार, वेद रट तथे तारे, धरन ताड़ धरन ताड़, देते ता देते ता कतगे कतगे कतगे, नग 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 नग। हमारे साथ यहाँ पंडित जी बने हुए हैं मंदिर के, उनसे जानते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास है। पंडित जी आपका नाम? राम कुमार मिश्रा, पुजारी हूँ महाकाल मंदिर में और पिछले 20 वर्षों से। तो महाकाल जी, जो ये इस क्षेत्र का नाम भी महाकाल है, महाकाल आदादि काल से ही अपने आप प्रकट हुए इधर। कालांतर में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में नवरत्न निकले, जहर निकला, जालंधर राक्षस एक बच्चा था वो निकला, लक्ष्मी निकला, तो सभी देवताओं और असुरों ने आपस में संधि करके सब चीज़ों को बांट लिया। पर ये जो बच्चा था जालंधर नाम का, इसको कोई अडॉप्ट ना करे, तो जालपा माता ने इसका पालन पोषण किया, जिसको बोलते जालंधर पालिका। जालंधर का जो पालन पोषण जालपा माता ने किया, जब बड़ा हुआ जालंधर तो शिव की तपस्या किया और शिव की तपस्या से उसको वरदान मिला भगवान शिव से कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान लिया उसने, काल नहीं मार सकेगा। जब ऐसा वरदान मिलने के बाद उसने देवी देवताओं को, ऋषियों को, सबको तंग किया, तो भगवान शिव की शरण में सभी देवता गए और प्रार्थना किया कि भगवान आपने सबको जो जालंधर दैत्य को वरदान दिया हुआ है, तुझे मृत्यु नहीं आएगी। उस कारणवश उसने हम सबको स्वर्ग से इंद्रलोक को निकाल लिया, पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, सब जगह उसने आतंक फैला रखा है, आप उसका कुछ उपाय करें। तो भगवान शिव को पता था कि उसकी जो धर्मपत्नी है जिसका नाम बृंदा जी, ये बृंदा जी राक्षसी है पर मानती विष्णु को है, तो विष्णु की उपासिका है। तो भगवान शिव ने जालंधर को बोला मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध के लिए ललकारा। जालंधर को पता था कि स्वयं शिव ने मुझे वरदान दिया हुआ कि मेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी, तो मैं शिव से युद्ध करूँगा और शिव को हराऊँगा। तो भगवान शिव ने उसको, जालंधर को, युद्ध के लिए ललकारा और संध्या के समय
वृंदा जी के आंगन में विष्णु माया का आवाहन करके विष्णु जी को जलंधर के भेष के रूप में वृंदा जी के घर में भेजा। वृंदा आरती की थाली लेके खड़ी है आंगन में और ऐसा भाव आ गया उसके अंदर कि आज के युद्ध में मेरा पति शिव को हरा कर आ गया, उसकी मैं आरती उतारूंगी। तो ऐसा पर पुरुष को उसने पति माना, उसका पातिव्रत्य धर्म भंग हो गया, उसके हाथ से आरती की थाली गिर जाती है, उसको अपशकुन लगता है कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, इसलिए शाप दे दिया कि तूने मेरे साथ छल कपट किया है, तू पत्थर बन जा। तो पत्थर बनने का शाप दिया, तो भगवान नारायण जो विष्णु थे वो प्रकट हो गए अपने असली रूप में। तो गलती लगी मानने वृंदा कि आज मैंने अपने आराध्य देव जो मेरे घर में आंगन में आए मैंने उनको शापित कर दिया, मेरा शाप व्यर्थ होना चाहिए नारायण। पर भगवान ने बोला आपका साथ व्यर्थ नहीं होगा, कलयुग में मैं पत्थर में वास करूंगा शालिग्राम शिला के अंदर और तुम हर घर के आंगन में तुलसी के रूप में पूजी जाओगे। युद्ध क्षेत्र में भगवान शिव ने भगवान ने जलंधर दैत्यों को मारने के लिए तैयार हैं और अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं कि अंतिम इच्छा बता। तो वह जलंधर कह रहा है कि आप मुझे कैसे मार रहे हैं जबकि आपने मुझे वरदान दिया हुआ है कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, काल नहीं मार सकेगा। ये भगवान ने बोला ये मेरा सौम्य रूप है शिव का, मैं महाकाल का एक भयंकर महारुद्र का रूप धारण करूंगा तेरे लिए, अतः तू अंतिम इच्छा बता। तो अंतिम इच्छा में उसने यही मांगा कि ये क्षेत्र जिसमें मेरा वध हो रहा है इस जगह को जलंधर पंजाब जो है सिटी पंजाब वहाँ से लेकर यहाँ तक 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया, इसको जलंधर महापीठ के नाम से जाना जाता है। और दूसरा वरदान जहाँ मेरा वध हो रहा है ये मेरा वध स्थल भी है और तपस्थल भी है, तपस्या मैंने यहीं किया, मेरा मृत्यु भी यहीं भगवान के हाथों से हो रहा है, मुझे मोक्ष मिल रहा है, अतः यहाँ पर भुक्ति और मुक्ति से कोई वंचित ना होने पाए। यहाँ जो श्रद्धालु बाहर से या जो भी साधक आए जो अपने दुखों को लेकर के, उसको भुक्ति भी मिले और मुक्ति भी मिले, मोक्ष को प्राप्ति हो, ऐसा उसने सर्वलोक के हिताय के हित के लिए ये वरदान मांग लिया। तो अतः उसका अंत किया गया भगवान महाकाल के द्वारा, इस क्षेत्र का नाम महाकाल पड़ा, महाकाल शिव के नाम के ऊपर ही महाकाल। कालांतर में ये जगह 1970 तक ये जगह आम पब्लिक के लिए बैन थी क्योंकि यहाँ अघोरियों का साधना का केंद्र था, तंत्र की उपासना होती थी इस जगह पर, अतः आम लोग वर्जित थे यहाँ आने के लिए। सो शमशान भी अंदर था और अघोरी लोग साधना करते थे, तो डडबडी जब आती थी तो महाकाल के बिल्कुल प्रांगण में जो आगे है उसमें एक शिला थी जिसको यमशिला बोलते थे, यमशिला के ऊपर डडबडी रख के दर्शन करवाने की परंपरा थी। तो स्वामी रामानंद जी ने 1970 में आए थे, स्वामी रामानंद जी वो राइटर थे और अच्छे साधक थे, उन्होंने इस शमशान को शिफ्ट किया बाहर और इस प्रथा को बंद किया कि अब ये शरीर मिट्टी का हो गया, इसको दर्शन करवाने की ये परंपरा बंद करनी चाहिए, और शमशान को बाहर शिफ्ट किया और तब से ये आम पब्लिक के लिए ये स्थान बन गया सबके दर्शन के लिए। तो यहाँ पर परिक्रमा में चार जल के कुंड है, ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड है, शिव कुंड है, सती कुंड है। अब इन चारों कुंडों का टेस्ट भी अलग अलग माना गया, आप टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट अलग अलग है क्योंकि शिव कुंड का जो जल है वो बिल्कुल टेस्टलेस है, उसमें आपको स्वाद नहीं आएगा पीने में, आनंद नहीं आएगा, पर जो ब्रह्म कुंड का जल है वो बिल्कुल पीने के लिए है और विष्णु कुंड का जल स्नान के लिए, सती कुंड का जल जो है किसी उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये सती प्रथा के टाइम से इस कुंड में जो है वो सती यहाँ पहले स्नान करती थी लेडीज़, फिर सती हुआ करती थी इस जगह पर चिता बना करके। और भाद्रपद मास, ये जो भाद्रपद मास विशेष रूप से यहाँ पर शनि की प्रेजेंस महसूस की जाती है और शनि अपने गुरु महाकाल को दर्शन के लिए अपनी माँ छाया के साथ आए इस जगह पर भाद्रपद मास में, तो इसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर मेलों का आयोजन होता आ रहा है। और यहाँ पर शनि सौम्य है, वैसे तो शनि क्रूर है पर यहाँ शनि सौम्य, क्यों? क्योंकि शनि अपनी माँ के साथ यहाँ, दूसरा अपने गुरु के चरणों में यहाँ, तो गुरु का कहना भी मानना पड़ता है बच्चे को और माँ का कहना भी मानना पड़ता है, इसलिए शनि यहाँ पर सॉफ्ट है। शनि साढ़े सती शनि ढैया के लिए तुरंत तो एक यहाँ पर एक शांति हो जाती है शनि महादशा से, तो इस अतः लोग दूर दूर से यहाँ पर इसी दशा के निवारण के लिए आते हैं और महामृत्युंजय के लिए मोक्ष के लिए यहाँ पर साधना की जाती है और तंत्र की उपासना भी यहाँ पर की जाती है। आपका हिमाचल एक्सप्रेस में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर, जय महाकाल। यहाँ महाकाल मंदिर के स्थानीय लोग बने हुए हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से मंदिर का इतिहास है और उनका क्या नाम है। यहाँ मेरा नाम तो सुरेंद्र भंडारी और पप्पू है, मैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर लंगू गदियाड़ा का वासी हूँ, मैं साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में रहता हूँ और यहाँ काफ़ी वक्त से मैं जुड़ा हूँ। जैसे यहाँ इसका मतलब शनि मेला होता है, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच यहाँ शनि मेले चलते हैं, तो यहाँ इतनी जनता आती है कम से कम मतलब हर शनिवार को 50-60 हज़ार लोग यहाँ ये दर्शन करते हैं, श्रद्धालु आते हैं।
और इस मंदिर की जो ये कथा है, पुरानी कथा ही है कि ये शिवलिंग की मूर्ति है, यहाँ महाकाल के नाम से है और उज्जैन के बाद यहाँ उत्तर भारत का ये पहला स्थान है। पहला उज्जैन में है और उत्तर भारत में फिर इसके बाद ही ये जो पहली मूर्ति है जिसका मतलब यहाँ महाकाल के नाम से ये तीर्थ जो स्थानीय तीर्थ जो पहचाना जाता है और इसकी बहुत ही बड़ी ये है। यहाँ काफ़ी सारी जो ये पंचायतें यहाँ जुड़ी हैं और तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग आते हैं और लोगों का काफ़ी ये है। मेरा नाम राकेश कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा से आया हूँ। आप यहाँ पे कितनी बार आए? मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 साल पहले आया था और या फिर आज आया हूँ और मैंने महाकाल जी का बहुत नाम सुना है, मैं इनका नन्हा भगत हूँ और आज दोबारा टाइम लगा तो दोबारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, सारा प्रदेश जो है बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं सारे और पालमपुर भी हम लोग गए और कल शायद जो है चामुंडा माता के मंदिर में भी जाना है। बहुत अच्छे जगह, बहुत अच्छी जगह है, दर्शनीय जगह है। मेरा नाम रीना है। आप कहाँ से आई हैं? मैं लुधियाना से आई हूँ। आप आज यहाँ मंदिर पे आए तो आपको कैसा लगा? हम मंदिर में आए हैं, एक बार हम बचपन में आए थे तब तो इतना डेवलपमेंट नहीं था और आज तो बहुत अच्छा लुक है इसका और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। एक पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है और पीछे शनिदेव मंदिर है, तो आके इधर बहुत अच्छा लगा, क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पर्यटक बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं और मंदिर में आके उन्हें कैसा लगा। हम सहारनपुर से आए हैं, बहुत बार हमें यहाँ का मंदिर घूमने का मौका नहीं मिला लेकिन अब की बार मन बना के आए हैं कि मंदिर ज़रूर देख के आएंगे। महाकाल का मंदिर अच्छा लगा और हम इधर पालमपुर में के आसपास के क्षेत्र में जो घूमे हैं काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं और महाकाल का मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है। आप कितनी बार यहाँ पे आए हैं? मैं 17 साल पहले आया था, यहाँ अब आया हूँ, अच्छा लगा देख। आज मैंने आपको दर्शन करवाए महाकाल के। यहाँ शिवलिंग पर चढ़ने वाला दूध या पानी कहीं भी बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आता है और ये रहस्य आज तक बरकरार है। इसी तरह एक और स्थल पर लेके चलूँगी, तब तक के लिए मैं कविता आपसे विदा लेती हूँ।